गाइस मम्मी की हाइट कम पड़ गई है तो मम्मी बोल रही है इसकी फोटो खींच के मम्मी को दिखा दो। गाइस मम्मी देख नहीं पा रही इसे। नीचे पुट्ठा डाल दो, पुट्ठा नीचे रख दो। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी मैं सुबह मस्त बढ़िया नहा धो के रेडी हो गया हूँ और गाइज वक्त हो रहा है 7:26। सो गाइज आज की प्लानिंग मेरी ये है कि आज मुझे जाना है तुमन मंदिर। गाइज मैं काफ़ी टाइम सोच रहा था कि मैं जाऊँ मंदिर, बट गाइज कुछ चीज़ों के वजह से मैं नहीं जा पा रहा था हर बार। मुझे गाइज कल जाना था वैसे, लेकिन कल गाइज आरती के लिए लेट हो गए थे। फिर मैं सोचा कि आज जाते हैं और परफेक्ट टाइम पर जाएंगे, बढ़िया आरती करेंगे और मस्त दर्शन करेंगे। गाइज देखिए अभी मैं मस्त बढ़िया रेडी हूँ और चलते हैं गाइज। बाकी गाइज मैंने देखिए बैग रेडी कर लिया है। गाइज बैग में मैंने सबको सामान रख लिया है जिम वगैरह का, क्योंकि वहाँ से जाएंगे जिम और जिम पे वर्कआउट करेंगे। सब रेडी है गाइज, बस एक दिक्कत है कि मैंने आज जो हम लोग का पोस्ट वर्कआउट डाइट होती है ना गाइज, उसके लिए गाइज मैंने आज कंप्लीट नहीं कर पाया। गाइज देखिए ये हैं स्प्राउट्स और ये हैं ड्राई फ्रूट्स। गाइज मैं इन दोनों को मिला के बहुत अच्छे से बनाता हूँ। गाइज आज डाइट नहीं हो पाई है बस, तो आज बाहर से कुछ खाना पड़ेगा। बाकी गाइज एक आध दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अपनी डाइट बनाता कैसे हूँ। गाइज मैं बहुत टेस्टी बनाता हूँ। चलते हैं गाइस अभी मंदिर, क्योंकि वहां पे वक्त से पहुंचना है। चलो जा रहे हैं हम। बाय। मंदिर आ गया हूँ। तो गाइज बब्बा महाराज के दर्शन हो गए हैं और अभी चलते हैं गाइज यहाँ से जिम, क्योंकि गाइज वर्कआउट करना है। और गाइज पता भी नहीं चला मतलब कब एक घंटा निकल गया है देखिए। और मतलब बड़ा सुकून मिलता है जब भी मैं मंदिर आता हूँ, अलग ही मतलब सुकून और एक अलग ही एनर्जी मिलती है। मैं आप लोगों से भी कहूँगा, अगर आप लोग ललितपुर के हो तो ललितपुर के तो सब लोग आते हैं गाइस, अगर आप लोग बाहर से हो तो आप जब भी ललितपुर आओ तो आप यहाँ पे जरूर आओ। बाकी चलते हैं गाइस जिम। तो गाइस अभी मैं जिम आ गया हूँ और गाइस ने जूही से बैग मंगा लिया था, क्योंकि जूही सुबह बैच लगाने आती है तो जूही बैग ले आई थी, तो मैंने चेंज भी कर लिया गाइस देखिए। और करते हैं गाइस अभी वर्कआउट। दोस्तों आज के वर्कआउट की शुरुआत होती है हमारी जंप से, फिर 10 मिनट साइकिलिंग, 10 मिनट एयर साइकिलिंग, 10 मिनट रनिंग, फिर लेग स्ट्रेचिंग, फिर नी मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की कुछ एक्सरसाइज, फिर गाइस मैंने किए 50 स्क्वाट, फिर 50 लेग को पास में करके स्क्वाट, फिर जंप के साथ 50 स्क्वाट, फिर 100 लंजेस किए मैंने 50 साइड से 50 साइड से, फिर गाइस मैं नीचे आ गया और लाइट्स ऑन की, और फिर गाइस मैंने की स्टैंडिंग की ट्रेनिंग। तो सबसे पहले मैंने स्टैंडिंग में किया लेग कर्ल, फिर प्रॉन लेग कर्ल, 3-3 सेट मारे मैंने गाइस सभी के, फिर गाइस मैंने की लेग प्रेस बहुत कम वेट से, और गाइस फिर मैंने भगवान जी का आशीर्वाद लेके आज का वर्कआउट किया एंड। तो गाइस वर्कआउट हो चुका है और अब चलते हैं यहाँ से घर। गाइज बहुत ज़्यादा भूख लग रही है आज, क्योंकि आज मैं स्ट्राउट वगैरह लेके नहीं आया था। गाइज घर जाने से पहले एक काम और है, मुझे मिरर वाले का ऑर्डर देना है। तो गाइज मैंने कांच का ऑर्डर दे दिया है। घर की क्लास के लिए मैंने कूलर भी पैक करा लिया है, देखिए गाइज ये अपना कूलर पैक हो रहा है। और देखिए मैंने भैया की दुकान से लिया है, तो आपको भी कभी लेना हो तो आप लोग, बहुत अच्छे कूलर होते हैं, अपनी क्लास में भी गए हैं कूलर। तो चलते हैं गाइज घर, अपने लगभग लगभग सभी काम हो गए हैं गाइज। मैंने कांच का भी ऑर्डर दे दिया है, शाम को आएगा कांच वाला, और कूलर भी हो गया है। सो क्लास अब काफ़ी सारे काम हो चुके हैं घर के, घर वाली क्लास के। अब थोड़ा सा मैं फ्री वाला फील कर रहा हूँ। चलो गाइज चलते हैं घर। तो गाइज मैं घर पे आ गया हूँ और गाइज आज बहुत सारे काम हो गए हैं और वक्त देखिए गाइज 1:39। तो गाइस खाने में यार दाल चावल रोटी और मस्त पुदीना की चटनी है, मिर्ची है। खाते हैं गाइस। तो खाना पीना हो गया है, अब कर रहे हैं कूलर वाले भैया का वेट, तो देखते हैं वो कितनी देर में आते हैं। तो गाइस कूलर वाले भैया आ गए हैं,
तो लेके आते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने रास्ता देखा नहीं है। आप ही है ना पंसारी इधर से? ठीक है चलो। तो गाइस हमारा कूलर आ गया, देखिए भैया ने रखा है, भैया ही लाए थे कूलर, सो भैया और मैंने रखा है। सो अभी देखिए गाइस मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा आप लोगों के लिए कैसा क्या है। हाँ यही, ये तो गाइस ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा है कूलर। हाँ हम लोग कर ले रहे तुमने, ये है देखो मम्मी कैसा लग रहा। कुछ तो है नहीं है, पंगड़ी मंगड़ी है देखो ये इसमें ऐसे सारे हाथ डालना पड़ता है। हाँ खुल गया। ये तो गाइस चल गया है कूलर। गाइस अभी मैं नीकी सिकाई कर रहा हूँ बर्फ से, देखिए बर्फ से सिकाई हो गई है और कांच वाले भैया लोग आ गए हैं तो लेने चलते हैं उनको। तो गाइस देखिए कांच आ गए हैं और भैया लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल हुई है कांच लाने में, क्योंकि बहुत लंबा है, इसमें से आपको नहीं दिख रहा होगा। साल गाड़ी आ रही है ना कांच की। हाँ देखिए गाइस मतलब भैया लोग ही ला पाए, इन लोगों को पता है इसकी स्टाइल में कैसे लाना है। बाकी गाइस अब इनको ले चलना है घर पे और ये भी थोड़ा सा लंबा टास्क है। और भाई देख रहे हैं ब्लॉग, क्या नाम है आपका? अनुराग। अनुराग हाँ। शर्मा बोलक का नाम क्या? बैकफ्लिप खा लेते। हाँ बैकफ्लिप खा लेते, तुमको देखनी है क्या? अच्छा खाए को का नाम क्या? दीदी को नीचे पुट्ठा डाल दो, पुट्ठा नीचे रख दो, दो रखने के एक रखने। तो गाइस कांच लग चुका है और गाइस बहुत प्यारा लग रहा है। कैसा लग रहा है मैम? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। और गाइस ये देखिए ये वाली कांच को हम लोगों ने निकाल दिया है। गाइस इस कांच को पता कब लगवाया था हम लोगों ने? जब मैंने डांस स्टार्ट किया था आज से फिक्स 10 साल पहले, तो मतलब ये पुरानी याद है और इससे ही मैंने डांस स्टार्ट किया था जब अभी लगा था, तो मतलब इससे ही सब कुछ हुआ है। इसके सामने मतलब मैं देख के डांस किया हूँ, कंटेंप्ट में इसके सामने किया हूँ, एक ही रूम में मतलब मैं पूरा कंटेंप्ट किया हूँ अपना, तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इसके मिरर से। सो इसको हम लोग रखेंगे ऊपर, रखेंगे अच्छे से छत पे। बाकी गाइस आज अपने सब काम बहुत अच्छे से हो गए हैं। गाइस देखिए ये वाला कूलर भी आ गया है और ये भी बहुत प्यारा है गाइस, मतलब क्लास के आज बड़े बड़े दो काम हो गए हैं। अब बस हम लोगों को फ्लोरिंग, लाइटिंग और लोगो, बस कुछ ही काम बचा है तो वो हो जाएगा। बड़े बड़े काम हुए हाँ। बाकी गाइज आज का ब्लॉग अब मैं यहीं पे एंड करने वाला हूँ। सो आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।